अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा क्या हो रहा है बच्चा, तुम बात क्यों नहीं सुन रही हो? बुलबुल ज्यादा चोट आई है क्या हुआ? मुझे टच मत करो, दूर आओ मुझसे, मुझे आप नहीं पसंद। मोहिनी क्या हुआ? ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं। पापा मत जाओ। बेटा मोहिनी आंटी को बुरा लगा है, जाके बात तो करनी होगी ना, ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है? पापा प्लीज आप ये शादी मत करो, मुझे मोहिनी आंटी नहीं पसंद। अगर आपको शादी करनी है तो बारो मां से करो, वो बहुत अच्छी है। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। बस अब देव की याददाश्त वापस आ जाए और ये सारे तमाशे खत्म हो। मोहिनी कितना भी प्यार करती हो देव से, पर वो जो कर रही है वो गलत है। मेरे बच्चों की खुशियां उन्हें लुटा दो भोलेनाथ। देव, देव, क्या चाहती हो तुम? तुम क्या कर रहे हो? कर तो तुम रही हो, मेरी बेटी के दिमाग में शहर खोल रही हो तुम। नहीं देव, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कैसा सच? खुद तो सर से लेके पांव तक झूठ से नहाई और मुझे सच बताने चली हो तो। नहीं नहीं देव, देव तुम हमारी बात सुनो। एक बार कह रहा तुमसे कि मुझसे मेरी बच्ची और मेरे परिवार से दूर रहो। पहले तो मेरे घर में घुसा दी, उसके बाद मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देती हूँ। हिम्मत करो, दर्द हो रहा है हमें। तुम्हारे इस दर्द का सिर्फ एक इलाज है कि मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहना, समझे? देव, देव क्या हुआ तुम्हें? देव तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्या हुआ, एक तुमसे सर दर्द शुरू हो गया। सर दर्द? देव तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ तुम्हें याद आ रहा है देव, तुम्हें याद आ रहा है कि हम तुम्हारा देव, देव हमारी बात सुन। अगर तुमने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम बंधे हुए, को कुछ याद नहीं दिल पा सकते। अगर हमने देव को कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, पारा तो हार नहीं मान सकती। हम मोहिनी को अपने घर परिवार को बर्बाद करने नहीं दे सकते। हमें देव को सब कुछ याद दिलाना होगा, जल्द से जल्द उसे मोहिनी के वश से बाहर निकालना होगा। ये हो क्या रहा है मुझे? बार बार ये अजीब सी चीजें क्या दिखाई दे रही है मुझे? किसकी यादें हैं ये? क्या मैं भारो को पहले से जानता हूं? क्या कोई पुराना कनेक्शन है क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं, देव की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। फूल के मुरझाने से उसका असर मिट रहा है, मुझे इसे बदलना होगा।
है पारो, क्यों बार बार ये? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल अचानक से सर में दर्द होने लगता है और अजीब अजीब से समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे जरा से दूर क्या होती हूँ, आपका ध्यान भटक जाता है। कोई नहीं, बुलबुल ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। I'm really sorry। छोटी बच्ची है वो, बचपन से बिना माँ के पली बढ़ी है और आज अपने पापा को अपना प्यार बांटते हुए देखकर शायद थोड़ा सा डर चुकी है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। समझ सकती हूँ, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। छोटे बच्चों को ये बातें थोड़ी लेट समझ आती है, वक्त लगेगा। इसलिए मैं बुलबुल से नाराज नहीं हूँ। और मुझसे? आपसे कैसे हो सकती हूँ? जी तो करता है कि इसे जान से मार दूं। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? मार नहीं सकती तो क्या हुआ, सबक तो सिखा सकती हो ना? बेटा शांत हो जाओ, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, अभी पापा डॉक्टर अंकल को फोन करेंगे, ठीक है? चिंता करने वाली बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। उठो बेटा उठो। चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा, पापा है ना आपके साथ, यहाँ बैठो। बेटा आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पापा ने डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है, डॉक्टर अंकल आते ही होंगे। हाँ बुलबुल, क्या हुआ बुलबुल को, क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, हम डॉक्टर अंकल का वेट करते हैं, वो दवा लेकर आएंगे, आप खाना और जल्दी ठीक हो जाओगे। जल्दी क्यों, आप अभी ठीक हो जाएंगी, एक मिनट। हाँ अभी हम बुलबुल को दवाई पिला देंगे तो बुलबुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जल्दी से पी लीजिए, अभी हम गर्म पानी लेकर आएंगे, आपकी सिकाई करेंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी लेके आते हैं। नहीं, इन सब से कुछ नहीं होगा। तो बेटा फिर कैसे ठीक होगा? पापा मेरे इस गाल पर किस करेंगे और पारू आंटी इस गाल पर, तभी मेरा दर्द ठीक होगा। जल्दी करो, दर्द बढ़ रहा है। प्लीज कर दो ना किसी, ठीक हो जाएगा। पापा को सब याद आ जाए। पापा को याद आ रहा है। देव, पापा, देव क्या हुआ? हे भोलेनाथ, देव, देव दिखाओ हमें। हे भोलेनाथ, खून बह रहा है। देव, हाथ छोड़ो। देव हम दवाई लगा देते हैं तुमको। तुम दूर रहो मुझसे। देव हमारी माँ, आप
टेंशन मत लो। मैं पापा और वो गंदी आंटी उनकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। हम भी बेटा और हम दोनों मिलकर आपके पापा को सब याद दिला देंगे। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।